हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे 9.2.5 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा, और हमें लास्ट सेशन के अंदर इसके लगभग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर हमने फिफ्थ तक कर दिए थे, और उसमें से मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए थे। आई थिंक आप लोगों ने कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लें, अच्छा रहेगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो आपके ऊपर ही बर्डन बढ़ेगा। और एक बात याद रखना कि मैथ्स को जितना प्रैक्टिकल आप सॉल्व करोगे उतना आपकी मैथ्स अच्छी होगी। आपने अगर देख लिया, हाँ सर ने एक्सप्लेन कर लिया, हाँ सर देख लिया समझ में आ गया, दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे समझ में नहीं आता है, समझ में तभी आता है जब आप प्रैक्टिस करोगे। ये एक प्रैक्टिकल वर्क है, प्रैक्टिस मेक्स मैन बी परफेक्ट। इधर क्लियर, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.5। और हमारा रिमेनिंग क्वेश्चन कौन सा रह गया था देख लेते हैं। 2.1 आइडेंटिटी याद है ना आपको? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमने कल किया था, फर्स्ट क्वेश्चन किया था 6 का, ठीक है, क्यूब वाला क्वेश्चन था। अब उसी के अकॉर्डिंग हम 7th क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 7। इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजेबल सूटेबल आइडेंटिटीज, ठीक है, जस्ट लाइक 99 और ऊपर में लिखा हुआ क्यूब। देखो वहां पर हमारे पास क्या आया था, एक बार हमने 97 पढ़ा था और क्या लिखा था, स्क्वायर, या 102 था तो हमने क्या बनाया था, स्क्वायर बनाया था। यानी कि किसी नंबर को स्क्वायर से सॉल्व करना है तो आप ज़्यादातर क्या करते हो, वैदिक मैथमेटिक्स का यूज करते हो, ऐसे करके इसको इंटू करते हो। लेकिन यहाँ पर ये नहीं करना है, यहाँ पर आपको सूटेबल आइडेंटिटीज लगानी है, मतलब इस वेरिएबल के ऊपर या इस नंबर के ऊपर कौन सी आइडेंटिटी सूट करी है वो आपको पुट करनी है। तो देखो यहाँ पर 99 है, तो 99 को मैं इजी वे में क्या लिख सकता हूँ, 100-1 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 100-1, ए माइनस बी की फॉर्म में ओपन हो गया। अब आइडेंटिटी आपकी क्या थी, ए माइनस बी का क्यूब इजिकल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब सॉरी माइनस फिर माइनस 3ab या ए स्क्वायर बी, और अपन यहाँ ऐसे ही करते हैं ए माइनस बी, ओके, ये आइडेंटिटी बोला, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ए कितना है 100 और बी कितना है 1, माइनस का 1 मत लिख देना क्योंकि ये जो माइनस है ना ये एक ऑपरेटर है, किसी का साइन नहीं है, ओके। अब यहाँ क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 और 100 माइनस 1। 100 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 100 का क्यूब कितना होता है भाई, मुझे बात बताओ। जब 10 का क्यूब है 1000 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है तो कितने जीरो लगा दूंगा मैं, 1, 3 और 3 जीरो लगा दो भाई, 3 इसके और 3 इसके कर लो, माइनस 1 माइनस 300 और यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 1 का मतलब क्या होता है 99, 1000000 माइनस 1 और माइनस 300 इंटू 99। इज दैट क्लियर, इसको इंटू करते हैं 99 का 3 से इंटू करें, 9327 और 29 कितना हो जाएगा 29700 माइनस 1 माइनस 000001। इज दैट क्लियर। अब देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, सॉल्व कर लो 1000000 और यहाँ पर हो जाएगा 1079 और ये आपका 2, इसको कर दो यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये दोनों ऐड हो गए ना, ऐड होने के बाद देखो अब यहाँ पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 हो गया 9, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 9, क्योंकि देखो ये एक कैरी है, यहाँ से आगे से आगे आगे से आगे ये चलता रहेगा, तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 8 का 8 यहाँ सॉरी यहाँ पर कितने बच गए आपके, यहाँ पर तो 9 रह गए, अब यहाँ पर भी कितने बचे, 9 में से 7 गया 2, यहाँ भी 9 0, यहाँ भी 9 माइनस 2 7, यहाँ 9 और ये आगे 0 ही है तो 0 ही लिखते, ये आपका फाइनल आंसर है। इज दैट क्लियर, ये आपका आंसर है। तो क्या होगा, कई बार आप है ना इतने सारे जीरो को देख रहे हैं ना, आपका खुद का माइंड जीरो हो जाता है कि मैं खुद हो गया, आप तो हो नहीं हो, ठीक है।
ये वाला जो सेकंड है ना 102, इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 100+2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये आप लोग कर लोगे ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 6 दोनों क्यूब आइडेंटिटीज के थे, वो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। एट नंबर क्वेश्चन है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइक 8a³ + b³ + 12a²b + 6ab² ओके। आप देखो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, यहाँ पर ध्यान रखना। आपने एक बार इस आइडेंटिटी को यूज़ किया था, तो जब इसको मैंने ओपन किया तब आपका ये फॉर्मेट बना। ये गिवन था तो ये बनाया, फिर आपको ये गिवन हो गया तो आपने ये बनाया। उसी टाइप से आपने किया था a+b³, तो a³ + b³ + 3ab और a+b। अभी हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए, a+b³ a-b³ चेंज किया हमने इस फैक्टराइज फॉर्म में। अब आपको ये फैक्टराइज फॉर्म गिवन है, चेंज करना है इस फॉर्मेशन में, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। देखो a³ b³ वाला आ गया, ठीक है। अब एक बात बताऊँ, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूँ, करना मेथड से आपको शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आपको ये करना है कि देखो 8 जो है ना किसका है, 2 का क्यूब है, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। मैं इसको पहले शॉर्ट लिख देता हूँ, देखो शॉर्ट ट्रिक सिर्फ चेक करने के लिए ताकि है या नहीं है। तो क्या लिखूंगा, आप जानते हो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, मतलब a+b³ वाली आइडेंटिटी ओपन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर a क्या है और b क्या है, देखो 8a मतलब 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2a³ + b के आगे क्या है 1 है, तो यानी कि b³। जब आप इसको सॉल्व करते हो तब 8³ + b³ आता है या आता है, नहीं आता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2a+b³ लिख सकता हूँ। एक्चुअली ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब आंसर आ गया, अभी ये राइट है या रॉन्ग इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो आप जानते हो 2a³ + b³ + 3 × 2a²b³ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8a³ + b³ + 3 × 2 = 4a²b+, ये कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6ab² जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12a²b, कितना आ जाएगा 12a²b। क्या ये और ये आइडेंटिटी एक जैसी लग रही है, लग रही है या नहीं लग रही है, दस कॉलर सॉन। ये देखो आपका था शॉर्ट मेथड, देखना सिर्फ इसको है, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको यस और नो के अंदर कंडीशन नहीं पूछी गई है कि आपको यस बताना या नो बताना, नो यहाँ पर आपको ये पूछा गया है कि जो मैंने फैक्टराइज फॉर्म ओपन करके रखा है या डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, आप उसको सेपरेट या उसको इंक्लूड कैसे कर सकते हैं, कंबाइन कैसे कर सकते हो, तो आपको सिर्फ आगे वाले जो क्यू फॉर्मेशन है उसको देखना है। यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है, इसके आगे 8 है तो 8 का क्यूब रूट, तो याद है ना, याद रखना 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर रूट और स्क्वायर, और 1 से लेकर 20 तक के क्यूब एंड क्यूब रूट, ये तो मुंह पे याद हो जाने चाहिए, ठीक है। क्यों आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, तो ये तो मैं तो 6th क्लास वालों को बोलता हूँ कि इतने तो करनी चाहिए। ये याद है तो कोई भी क्यूब रूट, क्यूब, स्क्वायर, स्क्वायर रूट आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन था आपका एट नंबर क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो तो मुझे बोल देना। और आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर नाइन x³ ओके
जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो आपको दे रखा है, तो एक बार याद रखना, इसमें थोड़ा सा आपका मिसप्रिंट हो गया है। ये 9 और 10 क्वेश्चन दो अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, बल्कि क्वेश्चन एक ही है। आपको पूछा गया है कि ये जो दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, 27y³ + 125z³ और 64m³ - 343n³, इन सबको आपको इस फॉर्मेशन में ओपन करना है। तो देखो आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, ये जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हमने लिखा था a+b³ ओपन करने पर a³ + b³ + 3a²b + 3ab² हमें यही पता है, ठीक है। अगर मुझे माइनस की आइडेंटिटी लेनी है तो मैं b को किसका लिखूंगा, माइनस का लिखूंगा। तो b माइनस का लिखते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने b किसका लिखा, माइनस का लिखा, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, a³ ही रहेगा क्योंकि ये प्लस का ही था, बाकी सब क्या हो जाएंगे, माइनस के। किसके कारण, इस एक बी के कारण क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। पर एक बार याद रखना, यहाँ पर ये प्लस का रहेगा। क्यों रहेगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पर बी का स्क्वायर है ना, तो इसने माइनस को पहले से ही अपने अंदर ले लिया कि मैं तो माइनस गायब कर दिया, अब तू अपने पास जैसा बैठा वैसे बैठा रहे, ठीक है। अब देखो इधर अगर हमें इक्वेशन पूछे इसका, तो आप याद रखोगे क्या, नहीं याद रखना है। आपको क्या करना है, ये पढ़ा a³ + b³, इस पूरे के पूरे फॉर्मेट को यहाँ लिख आ जाओ, तो a+b³ + 3a - 3a²b - 3ab² अगर इस फॉर्मेट को चाहिए a³ - b³, तो ये उधर लिया हो तो ये किसका हो जाएगा, a - b³ + 3a²b - 3ab² ये बन गई, दो और आइडेंटिटी बन गई। बस यही आइडेंटिटी आपको क्या करनी है, 9th क्वेश्चन के अंदर ये आइडेंटिटी देखनी थी कि ये आइडेंटिटी सही है या नहीं है, वेरीफाई करना था। अगर सही है तो आगे यस लगाना, नहीं है तो नो लगाना। और जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है ना, 10 के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया, जैसे 125z³ + 125z³ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3y³ + 5z³ a³ + b³। बस a³ + b³ कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, ये आइडेंटिटी फॉलो करोगे, बस इसकी सारी वैल्यू लिख दो यहाँ पर। क्या लिखूँगा, 3y + 5z³ - 3 कितना हो जाएगा, 3y² - 5z, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का रहेगा ना, हाँ माइनस का 3 × 3y + 5z² अब इसको सॉल्व करते हैं, 3y + 5z³ - 3 × 3 = 9y² × 5z - 3 × 9y × 25z², ठीक है। सॉल्व करेंगे 3y + 5z³ - अब देखो यहाँ पर ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 9 × 5 = 45, 45 × 3 = 120 और 135, 135y² - 25 × 9 = आपको पता है 250 होता है, 250 में से 25 गया तो 25y² एक्चुअली आपका ये आंसर है। अगर आप इसको और आगे ओपन करना चाहते हो तो इस आइडेंटिटी को ओपन कर दो a³ + b³ की फॉर्म में, तो 3y² + 5z² + 3 × 3y² - 1 35y² - 225y² सॉल्व करें तो ये हो जाए 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27,
वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब प्लस, अब देखो 3 3 3 जा, देखो ये क्वेश्चन इसी टाइप का बन गया ना, इस टाइप का। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 135 वाई स्क्वायर जेड लिख सकता हूँ, और इसको सॉल्व करूँगा तो क्या लिखूँगा, प्लस का 225 वाई जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 135 वाई स्क्वायर जेड माइनस 225 वाई जेड स्क्वायर। देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, पीछे क्या रहा आपका 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, मतलब आपको आपको वापस वही क्वेश्चन मिल गया। तो आपका आंसर कहाँ तक था, सिर्फ यहाँ तक आपको आंसर लिखना था, ये आपका आंसर है राइट। ठीक है, इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना, अगर इसके आगे आप सॉल्व करते हो तो आपको जहाँ से निकले थे ना वहीं पर वापस पहुँच जाओगे। इज दैट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी रहेंगे ना वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, 12 13 14 15 16 5 क्वेश्चन रिमेनिंग, इज दैट क्लियर?